हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वासिष्ट, यू आर वॉचिंग मी ऑन टैक्स गुरु। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। ठीक है, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट। हमारे विकास में कुछ इश्यूज़ हैं दोस्तों, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। बेसिकली ज़्यादा इशू नहीं है, केवल तीन इशू आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या फिर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन, इन्होंने जो अपनी थ्योरीज डेवलप की हैं वो स्टेजेस में फॉर्म की हैं। ऐसा डेवलपमेंट जो स्टेजेस में होता है बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूस कहलाता है। अब पियाजे की थ्योरी में आपने देखा होगा, उन्होंने कुछ स्टेजेस दी हैं, चार स्टेजेस उन्होंने दी हैं। ऐसे कोहलबर्ग की थ्योरी में भी चार स्टेजेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी थ्योरी में आप स्टेजेस पढ़ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के फॉर्म में होता है, तो कहने का मतलब है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ओके, एक स्टेजेस में कुछ डेवलपमेंट होता है, फिर सेकंड स्टेज में कुछ और डेवलपमेंट होता है, फिर थर्ड स्टेज में कुछ और होता है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक फेमस साइकोलॉजिस्ट वाइगोल्स्की, रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और इसी वजह से जब उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई तो वहाँ पर कोई स्टेज उन्होंने दी नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा अगर वाइगोत्स्की की थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे कोई स्टेज ही नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है दोस्तों, कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड चीज, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो स्लो होता है। एक बच्चा जिसकी हाइट एक साल में 10 इंच बढ़ती है तो एक दिन में कितनी बड़ी होगी, तो इसका अंदाज़ा हम अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत ही छोटा मार्जिन आता है, बहुत ही छोटी वैल्यू आती है कि भाई एक बच्चे की हाइट अगर एक साल में 10 इंच बढ़ती है तो एक दिन में कितनी बड़ी होगी। हमें कैलकुलेट करें तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही माइनर प्रोसेस है, हम अपनी नेकेड आई से इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार प्रोसेस है। जब आप जन्म लेते हैं और आपके डेथ तक जो डेवलपमेंट है वो धीरे 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 चलता रहता है। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है। लेफ्ट साइड में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे डेवलपमेंट लिया हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ये आपकी सही मायनों में डेवलपमेंट की ग्रोथ को शो करती है। ठीक है, और ये वाला जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपका शो करता है बेसिकली ऐसा डेवलपमेंट जो डिसकॉन्टिन्यूस होता है। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी थ्योरीज को स्टेजेस की फॉर्म में दिया है तो उनके डेवलपमेंट को शो कर रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे चार बार बनाई है, एक बार एक स्टेज को शो कर रहा है, दूसरा बार दूसरी स्टेज को शो कर रहा है। तो किसी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी में अगर चार स्टेज हैं तो इस तरीके से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, मैंने एक बार देखा था, चार ग्राफ बनाए हुए थे और इनमें से एक करेक्ट ग्राफ दिया हुआ था और ये पूछा हुआ था कि कौन सा ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेवलपमेंट की ग्रोथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस है, स्लो पेस पे आगे बढ़ता है। ठीक है, बर्थ से स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक आपका ये डेवलपमेंट धीरे 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 होता ही रहता है। ओके दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर वर्सेस नर्चर।